आगे है नेसेसिटी, जब जरूरत हो कोई चीज किसी के लिए जरूरी हो, जैसे भाई आपने पास होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो टीचर आपको कह रहे हैं यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, यानी एक तरह की जरूरत है मेहनत की पास होने के लिए, तो मस्ट यूज करना पड़ेगा हमें जब नेसेसिटी हो। और जब ना हो, जैसे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई कहे यार तुम्हें तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सब आता है, वहां पर आपने मस्ट नोट यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना, वहां पर नीड नोट यूज करना है। नीड नोट और मस्ट में मैं फर्क आपको बता दूं, मस्ट नोट और नीड नोट में, जैसे अगर तीन परिस्थितियां लेंगे, एक तो यही थी टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट, टेस्ट पास करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मस्ट वर्क हार्ड, और हम मान लिया एक आदमी है खूब दारू पीता है और अपने लीवर को खराब कर लिया, डॉक्टर उसको क्या कहेगा, यू मस्ट नॉट ड्रिंक अल्कोहल, तुम्हें दारू बिल्कुल नहीं पीनी है, इफ यू वॉन्ट टू लिव मोर, यदि तुम और जिंदा रहना चाहते हो तो, मस्ट नॉट का मतलब है जो काम बिल्कुल नहीं करना है, और नीड नॉट का मतलब है जब नेसेसिटी ना हो, नेसेसिटी हो तो मस्ट, नेसेसिटी ना हो तो नीड नॉट, You need not work hard to pass this test. इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नीड नोट यानी जो मिनिमम जो लेवल है उतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, यह हुआ नीड नोट। मेरे ख्याल से मस्ट, मस्ट नोट और नीड नोट में फर्क आपको पता लग गया होगा।